अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खुश हैं। आज हम सीख कबाब बना रहे हैं, जिसके लिए यहाँ सबसे पहले ये चार हरी मिर्च, चार पांच गार्लिक क्लॉव्स हैं और थोड़ा सा हरा धनिया है। इन सबको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेते हैं। चलिए देखें, यहाँ पे सीख कबाब बनाने के लिए हमने ये हाथ का कूटा हुआ कीमा लिया है, जो कि 1 kg है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये थोड़ा सा कीमा ऐड कर देंगे ताकि ये और बारीक हो जाए, जो हमने ये हरा मसाला चॉप किया है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ कि हमने ये 1 kg लिया है और ये फैट फ्री नहीं है, इसके अंदर फैट शामिल है। देखें, ये इस तरह से हो गया है, इसे निकाल लेते हैं और बाकी जो हमारा कीमा है इसको हम चॉपर के अंदर निकाल लेते हैं। इसको चॉप करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से हो गया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, ये निकाल लेते हैं, बाकी भी कर लेते हैं। और मेक श्योर करें कि कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी आप मीट यूज़ कर रहे हैं उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने 3-4 घंटे पहले जो है वो इसको इस तरह से स्ट्रेनर में डाल दिया था और इसका पानी निकल गया है, ठीक है। अब मसाले देख लेते हैं। देखें, 2 teaspoon नमक डालेंगे, 1 teaspoon पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 teaspoon भुना कुटा जीरा डालेंगे, भुना कुटा हुआ धनिया डालेंगे 2 teaspoon, 1 teaspoon चाट का मसाला डालेंगे, 1/4 teaspoon जो है वो हमने यहाँ पे गरम मसाला लिया है और 1/4 teaspoon जो है वो हल्दी ले ली है। ये सब हम डाल देंगे इसके अंदर और 1 teaspoon जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, एक बड़ी अनियन ले ली है और देखें इसको हम इस तरह से करेंगे कि ये ग्रेट की हुई है, चॉपर में भी निकाल सकते हैं। देखें आप, अनियंस के अंदर जो मॉइस्चर इसका होता है वो मैंने कम्प्लीटली ड्राई नहीं किया है। देखें, थोड़ा सा निकाल दिया है हाथ से ऐसे प्रेस करके और थोड़ा इसके अंदर मॉइस्चर है, क्योंकि इसी मॉइस्चर से आपके कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और यहाँ हम 2 tablespoon ऑयल शामिल कर देंगे, बस इन सबको मिक्सअप करेंगे और फिर हम मिलते हैं। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 2-3 घंटे के लिए कवर करके मैरिनेट कर दूँगी। चलिए जी, देखें यहाँ हम क्या करेंगे। कीमा हमने ले लिया और कीमे को पहले हम देखें इस तरह से इसका एक अच्छा सा इसका बॉल बना लेंगे। अब अगर आपके पास घर में सीखें मौजूद हैं तो आप सीखों से भी बना सकते हैं। ये देखें आप, ये स्ट्रॉ से भी बना सकते हैं या फिर आप कोई चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। कितना अच्छा ज़बरदस्त सा ये बन गया है जी। देखें, पैन हमारा हीट अप हो गया है। अब हम इसमें ये थोड़ा सा ऑयल हमने ऐड कर दिया है, बस इसे डालते जाएंगे। दूसरा बोल भी ले लेते हैं, ले लेते हैं। और ये देखें, हम इसमें इस तरह से डालकर बस अब इसकी हद से हम इसको बढ़ाते जाएंगे। कॉफ निकाला और इस तरह ये देखें, बस इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये हमारा एक और बनकर रेडी हो गया, इसे भी डाल देते हैं। बस इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं
और इन्हें बनाकर ज़रूर देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये रेसिपी की कबाब की कैसी लगी। ये देखिए पैन को स्टार्टिंग में हीट अप करने की वजह ही यही है और शुरू में इस टाइम पर इसे जो है वो देखें आप मीडियम पर है, हमारी जो फ्लेम है वो मीडियम पर है, इसीलिए कि जो कलर आया है ये प्यारा सा कलर आ जाएगा। और बनावट के लिए हम ये करेंगे, अभी जब सबका कलर अच्छा सा आ जाएगा हर तरफ से ये हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर देंगे तो उसमें ये गल भी जाएंगे। अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए, जितनी देर में ये गल जाएंगे और हमने फ्लेम देखें बिल्कुल मीडियम बिल्कुल लो कर दिया है। ये साथ साथ हम दूसरे पैन में भी डाल रहे थे। देखिए आप पैन को प्री हीट करने की वजह यही है कि देखिए कितना अच्छा सा अच्छा कलर आ रहा है। समय अब हम प्याले भी चेक कर लेते हैं। चलिए देखो, मैंने यहाँ पे एक रोटी का पीस रख दिया है और इसके अंदर मैंने ये चारकोल रख दी है दहका कर, और अब हम इसे चारकोल का धुआं दे देते हैं, अच्छी सी बारबेक्यू वाली जो है वो खुशबू आ जाएगी। अच्छा देखें हम ये वाले भी करते जा रहे हैं और इनकी साइड भी चेंज करते जा रहे हैं, बस ये हो जाएंगे तो फिर इन्हें भी कवर करके चारकोल का धुआं दे देंगे। इन्हें भी कवर कर दिया है और फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पर कर दिया है। अब हम ये वाले डिश आउट कर लेते हैं। तो जनाब देखिए हमारे सीख कबाब तैयार हो गए हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ, बशर्ते ज़िंदगी हो दस्तयाबी। अल्लाह हाफिज़।